सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोग का डे टू का रिव्यू का CRPF ट्रेड्समैन का। दोस्तों आज के वीडियो में बताऊंगा आप लोगों की किस तरीके से आपका ट्रेड टेस्ट हो रहा है। और दोस्तों एक बंदा है जो कि ग्रुप सेंटर रामपुर में ही है, जिनका फिजिकल कल हो चुका है, 5 किलोमीटर का रेस हो चुका है। आज उनका ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का स्टार्ट हो गया है। दोस्तों उनका रिव्यू मैंने लिया है, तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। हाँ दिव्यांश जी। हाँ भैया बताइए, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, अपना बताइए। अपना भी ठीक है। ग्रुप सेंटर में है कि बाहर आ गए हैं? अभी सेंटर पे ही हैं। अच्छा, कहाँ, रामपुर ही है ना आपका भी? हाँ हाँ रामपुर है। अच्छा, तो क्या ट्रेड था आपका? ड्राइवर से। ड्राइवर से आया तो हाँ आपका फिजिकल भी कल ही था कि आज से, आज ही आपका फर्स्ट डे था? नहीं, फिजिकल कल हो गया। अच्छा, तो ये जो है आपका, मतलब थोड़ा सा रिव्यू लूंगा, जरा 5 मिनट का समय है आपके पास? हाँ हाँ करिए ना। तो रिव्यू ले रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आपका मैं ऑन कर दिया हूँ, तो ताकि और जो आपके भाई हैं, जो भी हैं, सब उनको थोड़ा सा कुछ हेल्प मिल जाए। ठीक है, ओके सर, ओके। तो ये है कि बताइए अभी मतलब कैसे क्या हुआ, अभी आपका आज क्या क्या प्रोसेस हो चुका है आपका? कल फिजिकल हुआ खाली आपका? हाँ कल फिजिकल हुआ और आज जो भी था ये हुआ। उसके बाद अभी तो बोले हैं मेडिकल के लिए, तो मेडिकल के लिए शाम को बोले हैं, लेकिन अभी देखिए क्या होता है। ट्रेड टेस्ट आपका हुआ कि नहीं? बाकी का ट्रेड टेस्ट हुआ आज। अच्छा, तो कल मतलब खाली फिजिकल करवा दिया गया आपका और कुछ नहीं करवाया उसके बाद? नहीं, कल खाली फिजिकल में ही टाइम निकाल दिया, मतलब आराम आराम से कर रहे थे, किसी का कुछ घाई नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है। अच्छा, तो ट्रेड टेस्ट में ड्राइवर का ट्रेड टेस्ट था, तो मतलब बहुत सारे लोग थे कि कैसे ट्रेड टेस्ट हो रहा है, हार्ड था कि इजी था? नहीं ठीक ही था, मतलब क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे, थोड़े नॉर्मल थे, बाकी अच्छा, सब तो इजी ही है। खाली क्वेश्चन पूछा कि कुछ ड्राइविंग टेस्ट वगैरह भी हुआ? नहीं ड्राइविंग टेस्ट भी हुआ। अच्छा, कैसे क्या हुआ बताइए, जरा शुरू से बताइए। सुबह कितने बजे गए आप? सुबह तो हम लोग 6-7 बजे चले गए, अच्छा, लेके चले गए वहाँ पे। अंदर। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद, हाँ अंदर जाने के बाद सबसे पहले ये लाइसेंस देखे, लाइसेंस मांगे किसके पास, अच्छा, क्या है कैसा है, कौन सा है, क्या क्या, अच्छा, मतलब कौन किस से कौन किस से चीज का। लाइसेंस हाँ लाइसेंस तो कौन मेरे सा कौन पास जो सा? भी था, हैवी था और अच्छा, बाइक 4 व्हीलर सबका था, मतलब मैं दिखा दिया, सब लोग दिखा दिए। उसके बाद आगे वो मिला टेस्ट के लिए, अच्छा, तो जीप उसमें भाई, जीप मिला हाँ आपको? हाँ हाँ हमको नहीं वही मिल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि जीप मिलने के बाद बैठाया गया उसमें, उसके बाद बैठाने के बाद वो वहीं पे क्वेश्चन कर रहे हैं बैठने के बाद क्या करना है। वहाँ से सब लोग बताए क्या करना है, ये वो करना है। हमने मैंने भी बताया कि सीट बेल्ट पर सबसे पहले सीट बेल्ट लगाना है। सीट बेल्ट लगाने के बाद आगे लेके गए, बोले कि स्लो स्लो ही चलाना है। दो चार लोग अंदर बैठे थे, घुमाना है मोड़ पे कैसे क्या करना है, ढलान पे कैसे चलना है, चढ़ान पे कैसे अच्छा, चढ़ना ये है, सब क्या पूछ क्या रहे थे गियर, कि मतलब? हाँ गियर गियर कैसे चेंज करना है, क्या करना है। हाँ क्वेश्चंस आप बोल रहे थे जो क्वेश्चंस थोड़े हार्ड है, वो क्वेश्चंस क्या थे? क्वेश्चन तो सब नॉर्मल ही थे, और जो नहीं चलाने वाले रहेंगे वो भी बता देंगे, लेकिन एक क्वेश्चन हार्ड था जो 10 नंबर का था। अच्छा, वो क्वेश्चन ये था कि जहाँ पे अगर मान लीजिए राइट घूमना है, राइट साइड में, टर्न लेना है हाँ टर्न लेना चाहे है, मुड़ान है? तो घुमाव है हाँ मान हाँ लीजिए, एक तरह से घुमाव है, तो वहाँ पे एक साइड में ऐसे ऊंचा जैसा रहता है ना घुमाव में, तो हाँ हाँ वो जैसे जिस वैसे, तरफ से घुमाना है उसके विपरीत तरफ ऊंचा रहता है वो? हाँ ऊंचा रहता है, वो क्यों रहता है। अच्छा, तो वो तो एलिवेशन के लिए चाहिए रहता है मतलब तो कि? हाँ उसके लिए तो मैं तो बताया, वो एक क्वेश्चन 10 नंबर का था, तो मैं तो बताया, बाकी आगे भी क्वेश्चन हुए तो सब इतना ध्यान नहीं दिया, बाकी सब नॉर्मली क्वेश्चन था, कुछ ऐसा हार्ड नहीं था। यही एक क्वेश्चन जो था ये 10 नंबर का था, ये हार्ड था। अच्छा, हाँ और स्टाफ लोग का व्यवहार कैसा था, मतलब बिहेवियर कैसा था स्टाफ लोग का, अच्छा था खराब था? नहीं स्टाफ लोग तो अच्छे थे, थोड़े एक दो जो होते हैं वो थोड़ा रूड होते वो हैं, तो हर किसी में होते हैं, हर फोर्स में एक आध हाँ हर होते हैं। किसी में होते हैं, बाकी सब नॉर्मल ही था, मतलब कुछ पूछना कुछ बोलना बताना अच्छा, तो मेडिकल बताते थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हुआ कि नहीं हुआ? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गया है, हाँ। लेकिन जो दो तीन लोग छठे हैं उनका बोला गया है 3 दिन के अंदर अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अच्छा। ला के दिखाना है, सबमिट करना है। हाँ तो मतलब कि बाकी टाइम, सब जो आगे है भी भैया, टाइम दे रहे हैं, मतलब जैसे कोई डॉक्यूमेंट अगर कोई छूट गया है, चाहे नहीं मिल पा रहा है उसको, तो वो 2-3 दिन के अंदर हाँ आप उसको लाके? दो अच्छा, दो से 3 दिन का टाइम मिल रहा है, 3 दिन का टाइम मिल रहा तो आपका सब कुछ क्लियर डॉक्यूमेंट था?
हाँ मेरा सब कुछ क्लियर था, लाइसेंस भी था, लाइसेंस भी वहीं पे दिखा दिया तो था। अभी इसके लाइसेंस बाद, मेन जरूरी है। हाँ लाइसेंस जरूरी है, तो इसके बाद हाँ आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुआ? नेक्स्ट प्रोसेस तो अभी बैठाए हैं, बोले हैं कि शाम को मेडिकल होगा, अब अच्छा, देखते हैं शाम को होता है मेडिकल कि का कुछ नहीं। अभी तक मतलब आपका काम नहीं हुआ है मेडिकल के नहीं पे? अभी उसका मेडिकल में हाथ भी नहीं डाला है। अच्छा, तो आप बता रहे थे मुझे कि आपका वो ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ है, तो वो कैसा क्या हुआ? हाँ वो ब्लड टेस्ट के लिए लेके गए, वो हर एक चीज हर एक जगह दूसरी दूसरी जगह हो रहा है। अच्छा, तो मेडिकल के लिए वो ब्लड देने के लिए लेके जाएंगे दूसरी जगह ब्लड टेस्ट, वो। यूरिन टेस्ट और क्या हुआ था? हाँ यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे? एक हॉस्पिटल है हाँ एक हाँ किलोमीटर के दूरी पे, वहाँ पे लेके गए, ब्लड निकले, ब्लड लिए सबका, ब्लड सैंपल, एक्सरे लिए, फिर यूरिन लिए, उसका टेस्ट करके उसका बताएंगे। अच्छा, तो रिपोर्ट मतलब कि शाम तक आएगा, तब तक मेडिकल आपका हो जाएगा इधर। अच्छा, हाँ मान के टेस्ट चलिए अभी आया मेडिकल नहीं अगर तो आज नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा, कल होगा? फिर कल होगा, कल फिक्स है कि कल होगा। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आपका सेकेंड डे था आज रिपोर्टिंग का, और जो बंदों का आज नया रिपोर्टिंग हो रहा होगा, वो लोग का कैसे मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे? हाँ जो लोग का नया ये जैसे ब्लड मान लीजिए किसी रिपोर्टिंग का पे। आज रनिंग है और आपका रनिंग हो हाँ चुका है, हाँ तो आपका आवाज कट रहा है दिव्यांशु जी। हेलो हेलो जा हाँ रहा है, उनका रनिंग ही होगा, बस एक अच्छा, दिन में एक ही प्रोसेस करवा रहे हैं, क्योंकि तो हो यहाँ सकता पे है कि जो उनका टाइम बचे तो उनको ट्रेड टेस्ट भी हो जाए ना, क्योंकि कल आपका फर्स्ट डे था तो शायद डिले हो गया। हाँ ये हॉस्पिटल अभी लोग तो ऊपर है, देखिए आप मेडिकल के लिए बोले हैं तो शाम को बोले हैं, हो सकता है करवा ले, या हो सकता है वो जो आज रिपोर्टिंग किए हैं उसमें अगर चले जाएंगे तो फिर मेडिकल कल के लिए टाल देंगे, ये भी हो मतलब सकता कि ये मान सकते हैं कि अगर ये सब प्रोसेस करवाना तो 2 से 3 दिन लगेगा हर चीज़ का, मतलब है। हाँ हाँ लगेगा, 2 से 3 दिन चाहिए आदमी को प्रिपेयर हो गया ना, कि 2 3 दिन लग जाए अगर तो भी कोई हाँ दिक्कत ना हो अपने को, यही ना? हाँ हाँ और 2 3 दिन लगने के बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट्स पूरा प्रॉपर नहीं है तो उसके लिए 3 दिन और दे रहे हैं, तो वो भी तीन अच्छा दिन उसमें मतलब ऐड कर दीजिए, अच्छा और बैक डेट छह वाले, सात दिन मतलब बैक डेट वाले को आने दे रहे हैं पीछे, मतलब अगर कोई किसी का नहीं रिपोर्ट करता रहा तो हाँ नेक्स्ट डे उनका भी, उनका आने दे रहे हैं, आने दे रहे हैं, कोई इश्यू नहीं तो है। फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। और मतलब रिपोर्टिंग बंदे कम कर रहे हैं, मैंने सुना, ये बात सही बात है क्या? ये सही बात और फिजिकल जो है, मतलब फिजिकल में क्या मतलब टफ था, इजी था फिजिकल आपके लिए? जैसे 5 किलोमीटर का रेस था वहाँ पे 24 मिनट में, हाँ तो कैसा रहा हाँ वो फिजिकल आपका? तो देखिए वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, मेरे लिए तो थोड़ा इजी ही लगा, कुछ ऐसा हार्ड नहीं था, अच्छा, आप तो रनिंग वगैरह पहले से बाकी कर टाइमिंग दे रहे थे। हाँ टाइमिंग दे रहे थे, वो तो बच्चे टाइमिंग फेल अपनी भी तरफ हुए से दे रनिंग रहे थे। में? बच्चे फेल तो बहुत कम ही हुए, ना के बराबर हुए। हाँ अच्छा, लगभग लगभग निकाल लिया, तो मतलब कि लोग ठीक ठाक पास हो जा रहे हैं। अच्छा, ठीक ठाक पास हो जा रहे हैं। हाँ तो जो बच्चे कल से मतलब रिपोर्ट करने वाले हैं, वो लोगों को कुछ आप क्या मतलब देना चाहते हैं मैसेज की, मतलब कुछ प्रिकॉशन वगैरह? नहीं उनको क्या, वो अपना थोड़ा सा एकदम फिट होके आए ना, फिट कुछ ये डिस्प्रेस होके ना हो, डिप्रेस ना? डिस्प्रेशन में ना जाए, डिप्रेस ना हो, हाँ, डिप्रेशन बाकी नहीं तो डिप्रेशन में। अच्छा हाँ ठीक है, डिप्रेशन है। वही बात है। हाँ तो हाँ उसके लिए यही मैसेज है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है, यहाँ पे कुछ इशू नहीं है, हाँ आए आराम से दे, और अच्छा, जो पानी स्टाफ लोग हैं वानी वो ले भी जाने हेल्प दे कर रहे हैं कि रहे नहीं हैं, अंदर सब कुछ, मतलब पानी अपना सब बढ़िया है, सब हाँ एकदम सब मिल रहे, खाना खाना पीना का व्यवस्था वहाँ, पीना नाश्ता पानी तो वो तो सब पैसे बाथरूम पैसे से मिल रहा है वॉशरूम ना? ये सब मिल रहा है, चलिए ठीक है, तो मतलब ओवरऑल जो है सब अच्छे से कर रहे हैं, कोई सब दिक्कत नहीं, ठीक, कोई सब घाई नहीं, कोई अच्छा। तेजी नहीं है, हाँ उल्टा और धीरे ही सब प्रोसेस हो रहा है, मतलब कह सकते हैं। हाँ आराम से आराम से अच्छा, आराम से कर रहे, कुछ जल्दीबाजी नहीं। तो भगवान करे कि आपका मेडिकल वगैरह निकल जाए, पास हो जाए आप, आपका जो आज शाम को मेडिकल है तो आज हाँ शाम को शाम भी हो को जाए, या अगर हाँ कल भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन और सही है ना? तो हाँ जब फिट एंड फाइन हो जाएगा तो आपका जो है फिर से एक इंटरव्यू लेंगे, ठीक है? ओके और सर, अच्छा ओके। लगा काफ़ी बात करके, है ना? सो दोस्तों यही था रिव्यू आज के आप लोग का।
डे टू के रिव्यू का, जिसमें दोस्तों आप लोग का ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का दोस्तों आप लोग का एक्सरे और अदर प्रोसेस, आप लोग का यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट हो चुका है। अब दोस्तों फाइनल मेडिकल जो है जिस तरह से आपने समझा कि शाम को या फिर कल तक होगा, तो यानी कि 2 से 3 दिन आप लोग का प्रिपरेशन करके आना है वहाँ पर ट्रेड टेस्ट और सब चीज़ के लिए, ठीक है। तो हो सकता है किसी का 2 दिन में हो जाए, किसी का 3 दिन में हो, तो 2 दिन तो मिनिमम आपका लगेगा ही, तो आप लोग उसके हिसाब से प्रिपेयर हो जाइएगा, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार है, समझ लीजिएगा। और ऐसे दोस्तों आप लोग के लिए मैं और भी लाने वाला वीडियो, तो जो लोग अभी आज अगर ट्रेड टेस्ट कंप्लीट हो रहा है, चाहे फिजिकल हो रहा है, तो आप लोग अपना रिव्यू देना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा कि मैं मुझे सर रिव्यू देना है अपना, तो मैं जो है आप लोग से कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।